गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 3, जग्स एंड मग्स। चलो, बनी वेड्स बन्नो स्पेशल ड्रिंक्स। यहाँ पर एक जग और मग, ये इसके बारे में चैप्टर नंबर 11 है, पेज नंबर 153 पे। चलो देखते हैं। वेडिंग इन बन्नीज फैमिली, बन्नी फैमिली करके जो है उनके घर पर शादी है। There is a wedding in Bunny's family, a family of rabbits. Rabbit की फैमिली है बनी करके, उसके घर पर शादी है। Many guests are invited. Deer, monkeys, elephants, cats, dog, mice, foxes, camels, mongoose, etc. वहाँ पर बहुत सारे जो गेस्ट होते हैं उनको इन्वाइट किया है। और कौन से गेस्ट है? डियर, मंकी, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स एंड मंगोज एक्सेट्रा। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व्ड टू ऑल द गेस्ट, वन ग्लास ईच। एक स्पेशल डिश ड्रिंक है जो सबको सर्व करनी है, एक ग्लास एक जन को। एवरी वन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी, बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश डैश कैन नॉट फिनिश द फुल। जैसे छोटे छोटे है तो कौन है छोटे छोटे, इसमें कौन से अब मैं ऐसे है जो छोटे लगते हैं, बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। तो छोटे छोटे तो जैसे कि फॉक्स तो नहीं आएगा, माइस जैसे छोटा होता है ना, चूहा। उसके बाद जैसे एलिफेंट है तो वो तो पूरा ग्लास ख़त्म करने में एबल है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सम अदर्स लाइक डैश मोर देन वन ग्लास आस्क फॉर। ऐसे बहुत सारे हैं जो एक ग्लास कंप्लीट करने वाले हैं मैं आज, ठीक है। तो आपको क्या करना है आज इसमें, नाउ यू ट्रबल बिगिंस, अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्या। जैसे देर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन ग्लबिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच, हेल्प हिम टू फाइंड विद टेबल। तो चलो, ये आपको इतना जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराने वाली हूँ, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि सबसे पहले आप अपनी तरीके से फाइंड करो कि आप लोग को क्या लग रहा है, अप्रोक्सीमेट यानी अंदाज क्या आप लोग निकाल सकते हो। जैसे एक ग्लास से कम कौन से पी सकते हैं, एक ग्लास से ज़्यादा कौन पी सकते हैं, ये सब के आंसर मैं आपको करवाने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन आज के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाटर इन वाटर आउट, हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। कितने मतलब पानी आप पी सकते हो एक दिन में। समर है तो उसमें हम 8 ग्लासेस तो आराम से पी सकते हैं, लेकिन विंटर में शायद 5 या 6 पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू। चलो, आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग में मतलब जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो कितने ग्लास मतलब कितना पानी हमारी बॉडी में से कम हो जाता है। बॉटल एंड बकेट्स, गेट अ 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल एक्सेट्रा। कोई भी बॉटल लेनी है 1 लीटर की जो खाली हो, जैसे पानी की या ऑयल की। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा। आपको कलेक्ट करनी है कुछ बॉटल, कोई मग, जग, बाउल्स, ग्लास वगैरह वगैरह सब। एट योर हाउस यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दिस होल्ड मोर देन 1 लीटर। उसके बाद आपको चेक करना है कि ऐसी कौन सी बॉटल, यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ द होल्ड, यानी ये जो सारी चीज़ें हमने ली है उसमें से आपको बाद में चेक करना है कि किस में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ सकता है, ठीक है। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक, अगर आप छोटा सा ड्राइंग भी कर सकते हो अगर आपको जो, देखो ये भी आप घर पे कर सकते हो, होमवर्क है। जैसे लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम हो वो आपको लिखना है, और जैसे 1 लीटर से ज़्यादा, तो यहाँ पे बाउल है तो बाउल में 1 लीटर से कम होगा, और जैसे बिग कुकिंग पॉट, कोई बड़ा सा पॉट है खाना बनाने का तो उसमें 1 लीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ लुक एट द बकेट इन योर हाउस, अब आपके घर पे जो बकेट है वो आपको देखनी है। गेस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड,
उसमें कितने लीटर पानी आता है। यूज़ अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ यू गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। आपको एक एक लीटर की जो बॉटल होती है उसमें पानी भरना है, फिर बकेट में डालना है, फिर से भरना है, फिर से करना है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कितने लीटर पानी वो बकेट में आता है। ठीक है, ये आपका गेस करना है सबसे पहले कि इतना होगा, उसके बाद आपको ट्राई करके लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।